थेनोस को मार के दुनिया को बसाने की खुशी में एवेंजर्स हेडक्वार्टर पे पार्टी चलता है, जहाँ पर सारी एवेंजर्स काफी खुश होता है और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पर हॉकाई यहाँ पर अकेला रह जाता है और इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना किसी के पास जाकर बातें करे। और हॉकाई सबसे पहले स्पाइडरमैन के पास जाता है, जो कि कुछ फीमेल एवेंजर्स से बात कर रहे थे। और हॉकाई वहाँ पर जाकर एक जोक मारता है कि तुम लोग सुपर हीरो नहीं, तुम लोग सुबाग हीरो हो। पर हॉकाई के इस घटिया सी जोक सुनकर किसी को हंसी नहीं आते और स्पाइडरमैन उसे बोलता है कि घटिया सी जोक मार के हमें परेशान मत करो। और स्पाइडरमैन के ये बात सुनकर हॉकाई को काफी बुरा लग जाता है और वो दुखी में वहाँ से चला जाता है। फिर वो कैप्टन को देखता है, जो कि बाकी फैल्कन और कैप्टन मार्वल से बातें कर रहे थे। और हॉकाई उनको देखकर सोचता है कि क्यों ना उनके पास जाया जाए। पर जैसे ही हॉकाई उनके पास जाता है, कैप्टन उसे देखते ही कहता है कि तुम्हें यहाँ आना मना है, और जिसको सुनकर हॉकाई को बुरा लग जाता है। पर कैप्टन को उसके बुराई से कोई मतलब नहीं, वो जोर जोर से हंसने लगता है। और जिसको देखकर हॉकाई सोचता है कि मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, और हॉकाई वहाँ से चला जाता है। और फिर हॉकाई टोनी के पास जाता है, पर टोनी भी उसे देखते ही वहाँ आने के लिए मना कर देता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ आयरन सूट वाला ही आ सकता है। और जिसको सुनकर हॉकाई वहाँ से भी चला जाता है। और फिर हॉकाई थोर के पास जाता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी से बात कर रहे थे। पर थोर हॉकाई को देखते ही उसे मना कर देता है कि यहाँ सिर्फ जादूगर ही आ सकता है, जिसके पास जादू नहीं वो किसी काम का नहीं। और थोर के ये बात सुनकर हॉकाई को काफी बुरा लग जाता है और हॉकाई वहाँ से भी चला जाता है। और अब हॉकाई के आंखों से आंसू आने लगता है कि कोई भी एवेंजर्स मुझे प्यार नहीं करता, मुझसे बात नहीं करना चाहता। और हॉकाई दुखी में एवेंजर्स हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाता है और ना जाने दुखी में वो कहाँ जाने लगता है। और फिर हॉकाई कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और एवेंजर्स हेडक्वार्टर को देखकर रोने लगता है कि इस एवेंजर्स के कोई भी मेंबर्स मुझे भाव नहीं देता कि मैं भी एक सुपर हीरो हूँ। और तभी वहाँ एक्वामैन आ जाता है और हॉकाई से कहता है कि इतना दुखी मत हो दोस्त। और एक्वामैन को देखकर हॉकाई कहता है कि हाय एक्वामैन, क्या चल रहा है। और जिस पर एक्वामैन कहता है कि तुम्हारे फीलिंग में समझ सकता हूँ, तुम्हारे तारा मुझे भी इग्नोर किया जाता है, हम दोनों को ही कोई भी प्यार नहीं करता, देखो मेरा टीम को कैसे मेरा सुगली कर रहा है। और एक्वामैन दुखी में कहता है कि मैं समुद्रों का लोग होने के कारण जस्टिस लीग मुझे नफरत करता है, मुझे उतना सम्मान नहीं करता जितना एक राजा को करना चाहिए, मुझे पता है कि अकेला रहना कैसा लगता है, मेरे पास सिर्फ समुद्र और वहाँ के रहने वाले क्रिएशन है और वही है जो मुझे समझ सकता है, मुझे प्यार करता है, एक राजा की तरह सम्मान करता है। और ये कहकर एक्वामैन जोर जोर से रोने लगता है। और एक्वामैन को ऐसा रोता हुआ देखकर हॉकाई उसे समझाते हुए कहता है कि रो मत दोस्त, हम दोनों का कंडीशन एक जैसा ही है, हम दोनों एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं। पर तभी एक्वामैन अचानक से रोना बंद करता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे पास खुद की सोलो मूवी है, खुद की एक हीरोइन है और मेरा दूसरा मूवी जल्दी ही आने वाला है, पर तुम्हारे पास क्या है, ना कोई सोलो मूवी ना कोई हीरोइन। और ये कहकर एक्वामैन पानी में कूद जाता है और पानी में मस्ती करने लग जाता है। और जिसको देखकर हॉकाई फिर से अपने सैड मोमेंट पे आ जाता है कि हाँ एक्वामैन ठीक ही कह रहा है, मुझे ना कोई एवेंजर्स प्यार करता है और ना कोई डायरेक्टर। सो हेलो दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे।